चलिए आज भिंडी के हम सब्जी बनाएंगे, बहुत बहुत अलग और यूनिक तरीके से बनाएंगे भिंडी की सब्जी मसालेदार जो ढाबे पे आप खाते हैं। तो ये सारे भिंडी को मैंने धो लिया है और कट कर लिया है इस तरीके से, और बीच से मैं थोड़ा बहुत कट लगा भी दिया है इसमें। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। मसाला में क्या क्या डालेंगे वो आपको मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले हल्दी पाउडर छोटा चम्मच, लाल मिर्च छोटा चम्मच, धनिया पाउडर छोटा चम्मच, नमक छोटा चम्मच, बेसन। बेसन इसलिए डाल रही हूँ जिससे मसाला अच्छे से सेट हो जाएगा। तेल एक चम्मच में डाल दिया, थोड़ा और हम इसमें तेल डाल दे रही हूँ। इन सारा चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, अच्छे तरह से मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों के। सारी चीज़ों को मिक्स कर दे रही है। कढ़ाई में अब डालेंगे तेल, तेल चाहे तो तेल आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसमें मैंने भिंडी में तेल डाल रखा था ऑलरेडी, आप इससे भी भिंडी को पका सकते हैं। कढ़ाई में डाल दिया है और इसको पकने देते हैं, गैस बिल्कुल लो रखिएगा। अब मैं सारी भिंडी को फ्राई कर लिया है ब्राउन, बिल्कुल फ्राई कर ली। कढ़ाई में तेल डाल दिया है मैंने, जीरा डाल दिया है इसमें, और एक प्याज पूरा कट कर लिया है, प्याज इसको इसमें डाल देती हूँ और हल्का ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे प्याज को। प्याज को पकने देते हैं। अदरक और लहसुन और दो टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया है। मैं आपको दिखाया नहीं था लेकिन बता दे रही हूँ, दो टमाटर लिया है और दो तीन लहसुन की कलियाँ लिया है, अब थोड़ा सा अदरक लिया है, उसको मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें मसाला हम डालेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब चीज़ को डालते हैं, इसको पका लेते हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें हम जो पेस्ट बना रखे थे टमाटर का वो इसमें हम डालेंगे। गैस को बिल्कुल लो रखिए, मसाला जल जाएगा। नमक भिंडी में डाला था, नमक जब भिंडी डालिएगा तो नमक चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भिंडी में हम नमक डाल रखे हैं तो मसाला में कम ही नमक पड़ेगा। अब इसमें हम दही डालेंगे, अब इसमें मसाला हम डालेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब चीज़ को डालते हैं, इसको पका लेते हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें हम जो पेस्ट बना रखे थे टमाटर का वो इसमें हम डालेंगे। गैस को बिल्कुल लो रखिए, मसाला जल जाएगा। नमक भिंडी में डाला था, नमक जब भिंडी डालिएगा तो नमक चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भिंडी में हम नमक डाल रखे हैं तो मसाला में कम ही नमक पड़ेगा। अब इसमें हम दही डालेंगे, मसाला को हम भून लेते हैं। इसमें मैंने दही दो चम्मच डाल दिया है, तो मसाला को अच्छे से हम पका लेते हैं। इसमें मैंने काजू पीस कर डाल दिया है और इसको हम भून लेते अच्छी तरीके से।
अच्छे से हम पका लेते हैं इसको। मसाले को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। अब इसमें हम भिंडी डाल देते हैं जो मैंने फ्राई करके रखा था, और इसको हम मिक्स कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें ग्रेवी डाल सकते हैं, ना चाहे तो आप ऐसे सूखा दिया खा सकते हैं। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा डाल देते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, आधा गिलास के लगभग। तो थोड़ा ग्रेवी हो जाएगा तो हम रोटी के साथ आप खा सकते हैं, या चावल के साथ आप खा सकते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आपके पास अगर कस्तूरी मेथी है तो कस्तूरी मेथी भी आप इसमें डाल सकते हैं। भिंडी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार है बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। तो आप इसे बनाइए और खाइए, और अपना सुझाव अपना कमेंट हमें पक्का बताइए। नमस्कार।